हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशल शर्मा और आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर सेट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उनको पढ़ के हमें ये डिसाइड करना है कि एक्चुअल में वो सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे या नहीं, और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ के नेम हैं उनको अगर हम कलेक्ट करें, जैसे हमारे पास क्या क्या है, जून, जुलाई और जनवरी का तो हम कैसे भूल सकते हैं, सबसे पहला ही मंथ है जनवरी। ठीक है, सो पहला और यहां हमारे पास टोटल तीन मंथ्स हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो इनसे बनने वाला जो सेट हुआ है वो एक ऐसा सेट है या ऐसा कलेक्शन बोल सकते हैं जो हम कंस्ट्रक्ट करें या कोई और कंस्ट्रक्ट करें, ये एक फिक्स्ड है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए आप इसको एग्जांपल के रूप में बता भी सकते हैं। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के आपके कलेक्शन करने हैं, कोई भी टॉप 10। लेकिन एक बात देखिए कि हो सकता है मैं जो राइटर्स के नाम लिखता हूँ वो आपको पसंद ना आए, तो आप क्या करेंगे, अपने मोस्ट टैलेंटेड टॉप 10 राइटर्स के नाम लिखेंगे। तो सेट जो होता है वो एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कोई भी बनाए, हर बार रिजल्ट कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अगर मैं बनाता हूं तो कोई डिफरेंट बनता है, आप बना रहे हैं तो कोई डिफरेंट कलेक्शन बन रहा है, तो उसको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोला जा सकता है। यानी कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो होंगे वो एक सेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, थर्ड, ए टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टॉप, फिर से वही मोस्ट टैलेंटेड वाले की बात आ गई कि एक टीम बनानी है और 11 क्रिकेट बैट्समैन की, सिर्फ बैट्समैन की जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। तो हो सकता है कि आप अपना जो सिलेक्शन करें वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और मैं अपना जो सिलेक्शन करूंगा वो डिफरेंट वे में होगा। तो ऑब्वियसली बात है जो हम कलेक्ट करेंगे उनमें जो नेम है वो नेम भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो सेम होने के बहुत कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक सेट कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। ओके, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है ना, फिक्स ही रहेंगे कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, कोई बाहर से एक पर्सन आता है, सभी जितने भी बॉयज हैं उनके नेम की एक लिस्ट बनाता है, फिर से कोई और अनदर पर्सन आया उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई। तो ऑब्वियस बात है जितने बॉयज हैं आपकी क्लास में उन्हीं की तो लिस्ट बनेगी, चाहे दो पर्सन डिफरेंट डिफरेंट, दो अलग अलग पर्सन आके एक लिस्ट बनाए या और भी कितने ही हजार पर्सन आ जाए, हमेशा जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट क्या बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, है ना। तो इसमें नो डाउट, इसमें हमारे पास जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, यस, इसको यस कर देते हैं हम। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 100 से कम है, ठीक है, कितने होंगे, 1 से लेकर 99 तक। आप लिखेंगे तो भी 1, 2, 3 up to 99 तक लिखेंगे, मैं लिखता हूं तो भी वो 1 to 99 तक ही लिखे जाएंगे, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। तो ये भी क्या है, एक सेट कंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, सिक्स्थ, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो अब इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे, है ना, हम कोई किसी और राइटर के नॉवेल को हमारे लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या बनेगा, एक फिक्स कलेक्शन बनेगा, आप उसका कलेक्शन बनाए या मैं उसका कलेक्शन बनाता हूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो कलेक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो यस कर देते हैं इधर भी।
सेवेंथ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो सभी बिल्कुल सेम बनेंगे. जैसे मैं एक इवन इंटीजर्स का एक कलेक्शन बना रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, क्योंकि इंटीजर की बात हुई है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, और इवन की बात हुई है तो देखिए सारे के सारे दूसरे डिवाइड भी हो सकते हैं, और नॉर्मली हम जीरो को भी इवन में ही कवर करते हैं. तो ये जो कलेक्शन है ये भी फिर से वही बात, आप बनाए या मैं बनाए वो भी एक फिक्स रहेगा. तो ये भी क्या हुआ, एक सेट हुआ. बस इतनी बात है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है. ओके, और अब तक जितने हम करके आए थे सेट की फॉर्म में वो क्या थे, एक फाइनाइट सेट थे. 9900 से कम का कलेक्शन हुआ था. ओके, आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से इस एट पार्ट को देखें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियस बात है कुछ फाइनाइट क्वेश्चंस ही होंगे. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या आपको उन क्वेश्चंस को लिखते हैं तो ये बिल्कुल एक फिक्स क्वांटिटी बनेगी, यानी कि ये भी क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लास्ट पार्ट को देखें, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. आपके लिए डेंजरस एनिमल कोई भी हो सकता है, या उसी तरह से मोस्ट टॉप 10 या मोस्ट डेंजरस आपके लिए कोई भी 5 एनिमल्स के नाम लिखने को बोला जाए. तो आपको हो सकता है कि नहीं भी 5 एनिमल से डर लगता हो सकता है मुझे किसी और से, और किसी को हो सकता है चूहे से डर लगता है, किसी को बिल्ली से, किसी को कॉकरोच से, है ना. तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो लिस्ट बनेगी वो एक फिक्स लिस्ट नहीं बनेगी. तो इसी वजह से ये जो कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन को भी हम एक सेट नहीं बोल सकते. ओके, तो सीधे से बात क्या थी, जब स्टेटमेंट को पढ़ के जो सेट बने हर पर्सन से, यानी कि आप बनाए या मैं बनाऊं, वो कलेक्शन अगर फिक्स हो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट. और जिसमें डाउटफुल होता है कि कोई वन पर्सन एक बना रहा है और फिर अनदर पर्सन कोई और दूसरी लिस्ट बना रहा हो, दोनों लिस्ट में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, तो ऐसा जो कलेक्शन होता है वो सेट में कवर नहीं किया जाता.